कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बना ली कैरी के अचार? जो लोग नहीं बनाए हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो बना लिए हैं वो भी देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप लोगों ने गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आज आप लोगों को पुराने तरीके से नानी दादी या मेरे सासू माँ के द्वारा बनाए गए अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मेरी सासू माँ कैसे बनाती थी अचार, जो पहले के लोग बनाते थे ना फ्रेंड्स, वही सबसे अच्छा अचार होता है। और यही अचार को आप 4 से 5 साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पुराने तरीके के अचार की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, अगर आप अचार बनाना चाहते हैं तो इस देसी तरीके से जरूर बनाइएगा। मैं कटा हुआ मार्केट से 2 kg केरी ले आई हूँ, जिसे कच्चा आम भी कहते हैं, और इसके बीच से गुठलियाँ निकाल के थोड़ा मुझे साइज़ में बड़ा लगा, तो मैं इसे 2 टुकड़ों में इस तरह से कट कर ले रही हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस तरह से कट करना है हमें बीच से, और इसके जो बीज की और पानी में हम इसे ऐड करते जाएंगे फ्रेंड्स साथ ही, और बीज की जो गुठलियाँ होती है वो इस तरह से निकालते जाएंगे। सारे केरी को इस तरह मैं कर ली हूँ, बीज की गुठलियाँ निकाल के कट कर ली हूँ। पानी में अच्छे से डाल के हमें इसे बिल्कुल अच्छे से धो लेना है, 2 से 3 पानी, और इसे हमें सुखा लेना है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, या आप चाहे तो धूप में भी इसे सुखा सकते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल अच्छे से आपको सूख जाए ना, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस कीजिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है, देख सकते हैं मैं सारे अचार केरी को यहाँ सुखा ली हूँ बिल्कुल अच्छे से। फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से अचार ज़रूर बना के आप देखिएगा, 4 से 5 साल आपके अचार कुछ नहीं होंगे। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून नमक, और उसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। मेरी सासू माँ या मेरी माँ इसी तरीके से अचार बनाती थी फ्रेंड्स, और 4 से 5 साल हो जाते थे फिर भी ये हमारी अचार जो है ना वो ख़राब नहीं होती थी। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, और हम इसे रख देंगे धूप में पूरे 1 दिन के लिए बिल्कुल अच्छे से सूखने के लिए। जब तक हमारा अचार सूख रहा है, आइए हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पचफोरन होता है, जैसे कि यहाँ मैं ली हूँ अजवाइन, उसके साथ ही ली हूँ सौंफ, और साथ ही ली हूँ मैं राई। आप चाहे तो सरसों दाना जो पीले वाले होते हैं ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये कलौंजी, जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं या मंगरेल भी कहते हैं, और साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ मेथी दाना। अब हमें एक कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें हम ऐड कर देंगे 5 बड़े टेबल स्पून से राई, और इसे बिल्कुल हल्का सा हमें गर्म करना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। एक बार आप इसे हाई फ्लेम में इस तरीके से चलाते हुए गर्म कर ले, और इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। साथ ही हम सेम कढ़ाई में, सेम पेन में, आप जो भी ले कढ़ाई या पेन, उसमें ऐड कर देंगे हम फ्रेंड्स सौंफ 2 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मेथी दाना। मेथी दाना भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। इन सभी को एक बार हमें बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे बिल्कुल अच्छे से आप कीजिएगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा आपका भुन जाए ना तो मसाले आपके जले जले टेस्ट आएंगे, इसलिए ध्यान रखें। राई को आप अलग भूनें, और मेथी और सौंफ को एक बार भून लें, साथ ही इसमें ऐड कर दें 1 टेबल स्पून अजवाइन, और इसे एक बार हल्का सा भून लें जब तक इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, इस तरह से, मतलब खुशबू आने लग जाएगी आपको मसाले भूनने की। आप समझ जाएं कि आपका मसाले भून चुके हैं। गैस ऑफ कर दे और इसे भी निकाल ले आप सेम बर्तन में जिसमें आप राई निकाले हैं। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। साथ ही मैं यहाँ 2 kg केरी ली थी मैं अचार के लिए, तो उसमें 1/2 kg मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, जिसे अच्छे से बिल्कुल गर्म कर लेना है, धुआंधार गर्म कर लेना है, और इसे ठंडा होने को रख देना है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आप मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें, रिफाइन ऑयल का यूज़ ना करें। साथ ही देख सकते हैं हमारा जो केरी है ना बिल्कुल अच्छे से धूप में सूख चुका है। आप चाहे तो 2 दिन भी इसे सुखा सकते हैं, मैं 1 दिन सुखाई हूँ, हमारे इधर धूप थोड़ा तेज़ था तो 1 दिन में बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है ये। अब सारे जो मसाले मैं भून कर रखी थी ना फ्रेंड्स, इसे हमें दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो दरदरा कूट सकते हैं ईमानदस्ता में,
ध्यान रखें इसका फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है, आप इसे रुक रुक कर ग्राइंडर चलाते हुए लगातार ना चलाएं वरना फाइन पेस्ट बन जाएगा। रुक रुक कर ग्राइंडर चला लें ताकि इसका दरदरा पाउडर बने। इस तरह जैसे मैं चला रही हूँ आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल दरदरा सा यहाँ पाउडर बनकर रेडी है। देख सकते हैं आप सबको दिख रहा होगा एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाई हूँ मैं। इसी तरह से आप भी बनाएं। और ये जो केरी को मैं धूप में दिखा कर रखी थी ना, इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे मसाला जो मैं भून कर रखी थी। और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स अजवाइन 1 टेबल स्पून। ध्यान रखें अजवाइन हम पहले भी 1 टेबल स्पून ऐड किए थे इसलिए यहाँ 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून कलौंजी। आपके इधर एक कलौंजी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 पिंच हींग। मेरा स्ट्रॉन्ग हींग है, आपका अगर स्ट्रॉन्ग हींग ना हो कम स्ट्रॉन्ग हो तो आप 1/2 टेबल स्पून हींग ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ ऐड कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबल स्पून। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है अचार में। आप चाहे तो रेगुलर मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं या देगी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। आप ध्यान रखें नमक हम इसमें पहले भी ऐड कर रखे हैं इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा और ऐड कर दें। ध्यान रखें कि जो नमक होता है ना अचार वगैरह में थोड़ा सा चटपटा होता है, थोड़ा तेज़ नमक होता है तो अच्छा लगता है। साथ ही जो हम ऑयल गर्म करके रखे थे ना ठंडा हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर ले फ्रेंड्स तभी आप ऐड करें। मेरा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था। अब हम सारा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से और एक बार बिल्कुल अच्छे से हमें वापस से कर लेना है इसे मिक्स ताकि केरी में बिल्कुल अच्छे से हमारा सारा मसाला और ऑयल मिक्स हो जाए। देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से मैं इसे कर ली हूँ मिक्स और झटपटा यम्मी सा हमारा अचार बनकर रेडी है। बट अभी एक प्रोसेस आपको और करना है फ्रेंड्स कि इसे ना आपको धूप में दिखाना है 1 या 2 दिन के लिए ताकि जो आपके मसाले ऑयल हैं सब अच्छे से अचार में मिक्स हो जाए और पक जाए और आप इसे 4 से 5 साल आराम से स्टोर कर सकें। देख सकते हैं हमारे इधर धूप कितनी तेज है और अगर आपको धूप कम लगती है आपके इधर तो आप 2 दिन से 3 दिन दिखाएं। मैं इसे 2 दिन दिखाऊंगी धूप में। इस तरह से एक बार चारों तरफ मैं फैला ली अचार को। और फ्रेंड्स अचार को जब भी आप धूप में रखें ना तो इसे ढक कर रखें या तो किसी जाली वाले बर्तन से ढक लें ताकि कोई भी पक्षी चिड़िया या कोई डस्ट वगैरह ना पड़े। या तो आप चाहे तो इस तरह के कॉटन के दुपट्टा या कॉटन का कोई भी साफ कपड़ा लें और इस तरह से इसे बांध कर धूप में दिखाएं। उससे आपका जो अचार है उसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे से सूख भी जाएगा। अब इस तरीके का आप कांच का एक बर्नी ले लें जिसे धो के बिल्कुल अच्छे से सुखा लें फ्रेंड्स। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बर्नी में। आप चाहे तो इस तरह का कांच का डब्बा भी कोई ले सकते हैं पर मैं यहाँ बर्नी का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप नया बर्नी लाए ना फ्रेंड्स तो बिल्कुल अच्छे से धो के इसे धूप में 1 से 2 घंटे के लिए सुखा लें। अगर आपके बर्नी में या डब्बे में पानी हो ना, मॉइस्चराइज़र हो उसमें, तो आपका अचार ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स। अब यहाँ चटपटा सा अचार मैं इसमें भर दूंगी बर्नी में। बर्नी को बंद कर दी हूँ मैं। आप चाहे तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम लगे तो थोड़ा सा ऑयल और गर्म करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।